मशीनरी इंडस्ट्रीज है जी, हम इसके बारे में आपको कैसे सरसों प्रोसेसर होती है उसके बारे में और प्लांट के बारे में हम आपको बताते हैं। आइए, जब हम परचेज करते हैं मस्टर्ड सीड वो पहले यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे गाड़ी लगती है, उसको हम चेक करने के बाद उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी लैब करते हैं, और लैब करने के बाद हम उसमें इसमें डालते हैं उसको, उसको डालने के बाद में जो भी मस्टर्ड सीड हमारे पास होती है उसको धरने के द्वारा क्लीन किया जाता है। झरना हमारा झरना लगा हुआ है हमारा, उस झरने के द्वारा हम उसको क्लीन करते हैं बिल्कुल साफ, जो भी इसका डस्ट होता है जो भी इसमें वेस्टेज होती है वो इन पाइपों के द्वारा अलग निकल जाती है। ये पाइप है वहाँ से क्लीन होने के बाद में इनसे अलग निकल जाता है वेस्टेज, जैसे मिट्टी हो या कुछ भी हुआ धूल मिट्टी वेस्टेज वो अलग से निकल जाता है। उसके बाद में मस्टर्ड सीड अलग से एलिवेटर के थ्रू ऊपर टैंक में चला जाता है क्लीन होने के बाद में। अभी हमने आपको बताया था हमारी मस्टर्ड सीड झरने के थ्रू कैसे क्लीन होती है, ये वो झरना है जिसके द्वारा क्लीन की जाती है इसको। ये सब देखिए इसमें ये अलग अलग निकल के उन्हीं एलिवेटर से नीचे चला जाता है वेस्टेज, और जो मस्टर्ड सीड है वो दूसरी साइड से क्लीन होने के बाद में दूसरे उसे टैंक में कुछ चली जाती है इसे जाती है। एलिवेटर है जो मस्टर्ड सीड को ऊपर उठाते हैं, झरने से क्लीन करने के बाद में वो टैंक को देते हैं एलिवेटर के थ्रू, एलिवेटर से टैंक में जाती है, टैंक में क्लीन होने के बाद में ये मशीन उसको अपने पास प्रोसेसिंग के लिए लेती है। यहाँ से मस्टर्ड सीड पहली मशीन में जाती है, फर्स्ट नंबर मशीन में इसको क्लीन करने के लिए प्रोसेस के लिए जाती है वो। उसके बाद में यहाँ पे तीन प्रोसेस और अलग होनी शुरू हो जाती है, ऑयल एक साइड हो जाता है और मस्टर्ड के अलग साइड हो जाता है। ये देखिए क्वालिटी चेक होने के बाद में उसकी फिलिंग होती है। फिलिंग प्लांट हम आपको दिखाते हैं अभी, आइए हमारे साथ। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी, आइए। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो तेल होता है वो फिल्टर होने के बाद स्टोरेज हो जाता है, ये वो टैंक है जिनमें स्टोरेज हो जाता है। उसके बाद मशीनों के द्वारा फिलिंग होती है। आइए, ये मशीनें इनके द्वारा फिलिंग होती है। ये रॉ मटेरियल है सर, और इसके बाद में ये रेडी हो जाता है, इनमें से जो भी हमको तैयार करना होता है आधा लीटर एक लीटर पाँच लीटर पंद्रह लीटर जो भी है उसमें पैकिंग हो जाती है। ये हमारा मस्टर्ड सीड टैंक है जो क्लीन होने के बाद आती है, ये देखिए इसमें लगा हुआ है पूरा का पूरा मस्टर्ड के प्लांट है, जिसमें मस्टर्ड के ग्रेडी हो गया।
हमारे पास आ चुका है, उसकी पैकिंग जा रही है। मशीन है, इसमें जब हम मस्टर्ड सीड हमारे पास में आती है उसको पहले हम टेस्ट करते हैं, उसको किस क्वालिटी की कैसी है, उसके बाद ही हम उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। ये हमारे सैंपल हैं जो अभी होते हैं, हम उनको उनके सैंपल निकाल के रखे जाते हैं।